आजकल मैं कहानियां घर घर की बना रहा हूँ और फिल्म बनाते बनाते घर की कहानी बना दे रहा हूँ। पब्लिक से यही कहना चाहूंगी कि बस अभी हमने आपके लिए एक फिल्म लाई है जो कि आप सब लोग जो पसंद करते हैं जिस तरह की फिल्में, और आप लोग जिस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं उस तरह की हमने कोशिश की है। तो प्लीज आप जरूर देखिए और फिर हमें वापस बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और फिर अच्छी लगी तो और बनाएंगे, अच्छी लगी तो हम और बनाएंगे, और बनाएंगे। और बस यही हमने सोच के बनाया कि इस बार सारे लोग ये फिल्में देख सके और इस बार कोई लाइक वल्गैरिटी कुछ नहीं है इस फिल्म में। बस काजल जी बात करें, रत्नाकर जी की इन्होंने जो पब्लिसिटी के लिए ढेर सारे कैंपेन चलाए, क्या कहना सर? तो हमारे बेस्ट है, रत्नाकर सर ने बहुत मेहनत की है। और बीइंग ए डायरेक्टर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा क्योंकि ये एफर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैंने 70 फिल्मों में म्यूजिक दिया है, मेरी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, ये पहली फिल्म है, पर मैंने 70 फिल्मों में म्यूजिक दिया है, और टी सीरीज से लेकर के वीनस कंपनी से लेकर के एचएमबी से लेकर के हर एक कंपनी के पास हमारा म्यूजिक गया है, और हर एक म्यूजिक कंपनी से हम एसोसिएटेड रहे हैं क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो वास्तव म्यूजिक कंपनी से हमारी होती है। पर जो रत्नाकर जी ने एफर्ट इस फिल्म को लेकर दिखाया है, आई सैल्यूट यू सर, इट इज कम्प्लीट। मैं सोचा था कि ये फूलों का गुलदस्ता मैं आपको लाके दूंगा और मैं ऑफिस में आने वाला हूँ। जी सर, मैं बिल्कुल आपके पास आने वाला था, और कोई ऐसा दिन नहीं था हम लोग के वहाँ पे कैंपेनिंग में जो हम लोग घूम रहे थे कि आपके बारे में चर्चा नहीं करें कि जियो रत्नाकर जी, जियो। आज भी इनका प्लान था यहाँ पे मीडिया, ये मुंबई एयरपोर्ट पे। सबसे तो धन्यवाद कि सारे प्रेस वाले आए, और ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कि आप लोगों ने इतना मेहंदी लगा के रखना कि जो टीम है उसको कोई अच्छा वर्ड कौन सा हो सकता है, प्यार दिया है। तो यू नो उसके और लिए आप सारे सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड यही उम्मीद करते हैं कि सब लोग वैसे ही आगे और अच्छी आप लोग का ये जोश और जज्बा देख करके हम लोग और अच्छी फिल्में बनाएंगे और अपनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को और हाइट तक पहुँचाना है। खेसारी जी तो बेस्ट है, हमारे सुपरस्टार है। बात मेहंदी तो एक ही बार लगती है और जो लग चुकी है मेहंदी से ज्यादा इन्होंने सरसों के खेत में बहुत कुछ किया है, वहाँ पे साग खा रहे थे लोग सरसों का।